Oh, the music! हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट, स्वागत है आपका 12th के अकाउंट्स के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हम देखने वाले आज का टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज का इन द सेंस भाई, आज खत्म नहीं होने वाला, आज तो सिर्फ स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज का आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीरीज 1 एपिसोड 1। फिलहाल बहुत दिन से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत दिन से इन द सेंस वैसे देखा जाए तो कोरोना नियर अबाउट एक साल से ज्यादा टाइम हो गया। कोरोना चल रहा है हर जगह पे, कोरोना लॉकडाउन, घर बैठे है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्टे सेफ स्टे एट होम, आप घर से ही पढ़ रहे हो। तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो बच्चों, ऑनलाइन लेक्चर के साथ साथ ऑनलाइन मूवीज भी देखने लगे हैं सर हम, और ऑनलाइन मूवीज के साथ साथ आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज का, राइट। वेब सीरीज डाउनलोड कर लो, शेयर करो। वंस अपॉन अ टाइम टेलीग्राम पे बहुत सारे वेब सीरीज फ्री में मिलते थे, वो बंद हो गए, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वेब सीरीज का ट्रेंड अभी भी कायम है, वो क्रेज कि हाँ यार सीरीज देखने में बहुत मजा आता है, राइट। तो ये ट्रेंड में अगर आप हो, नहीं हो तो आ जाओगे यार, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया सीरीज स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। मतलब मुझे भी क्रेज लग गया था कुछ बहुत दिनों से वेब सीरीज। तो हमारी जो वेब सीरीज है, हमारी थोड़ी बड़ी वाली सीरीज है, 9-10 एपिसोड नहीं, हम पूरे साल का एपिसोड, पूरे साल सीरीज देखने वाले हैं। सो सीरीज नंबर 1 बच्चों, मतलब टॉपिक नंबर 1, और एपिसोड नंबर 1 मतलब उस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो सीरीज नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और उसका आज फर्स्ट एपिसोड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एपिसोड हम क्या क्या देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट पहले तो पार्टनरशिप क्या है ये समझना जरूरी है ऑफकोर्स। सो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से, फिर जैसे कि हम टॉपिक देख रहे हैं टेक्निकली तो डेफिनेशन देखना भी बनता है। सो मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और साथ में पार्टनरशिप डीड, ठीक है। स्टूडेंट्स, एवरीडे मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोर्ड पे डिस्प्ले कर दूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसका दो रीजन है, पहले तो ये कि आपको समझ जाता है आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड थिंग, जब आप रिवाइज करोगे स्टूडेंट्स, जब आप रिवाइज करोगे हर लेक्चर, आपको हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है। आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड, इंटरेक्टिव क्लास रहेगा, आपको डाउट कुछ तो इमीडिएटली पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हो तो आपको रिवीजन के लिए, मतलब एग्जाम, सपोज एग्जाम आपने ऑलरेडी लेक्चर देख लिए हैं और एग्जाम के पहले आप रिवाइज करना चाहते हो तो हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, लेकिन कौन सा लेक्चर रिवाइज करें कैसे समझेगा, आपको लेक्चर ओपन करने के पहले ही समझ जाएगा कि कंटेंट क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, केकेसी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद स्टोर सेक्शन में आप जाओगे रिकॉर्डिंग देखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए स्पेसिफिकली स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में जो अपना 12th अकाउंट्स का फुल कोर्स जो है पूरे साल का, उसमें ओपन करने के बाद आपको लेक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा रहेगा सीरीज नंबर 1 एपिसोड नंबर 1, और नीचे ही लिखा रहेगा कि कंटेंट क्या है। तो कंटेंट देख के आपको जल्दी से समझ जाएगा कि हमें कौन सा पार्ट रिवाइज करना है, और एग्जैक्टली आप उसी पे क्लिक करो और वही रिवाइज करना, ठीक है। तो ठीक है, प्रवचन तो हो गया, अब पढ़ाई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो आपको आ जाएगा, दिक्कत आ जाए तो ऑफकोर्स डोंट फियर टू कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपके हर डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हाँ तो करते हैं स्टार्ट। ये पार्टनरशिप होता क्या है ये आपको पता हो या ना हो, ये बात तो कन्फर्म है कि आपने लाइफ में पार्टनरशिप ये नाम तो सुना ही है। एवरीवन हर्ड द नेम पार्टनरशिप, कहाँ पे सुना है? सर हमने ऐसा कुछ ज़्यादा बिजनेस वगैरह कुछ किया ही नहीं, हम तो अभी 12th के स्टूडेंट, 12th में अभी इंटर कर रहे हैं सर, 11th में भी एग्जाम हुई या नहीं हुई आपको ही पता, लेकिन अभी तो इंटर कर रहे हैं सर, तो हमने ज़्यादा कुछ रियल लाइफ में नहीं देखा है, लेकिन हम दोस्त भी एक दूसरे को पार्टनर बुलाते हैं, राइट। होता है ऐसा, अगर हम कुछ टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं,
हम बोलते हैं कि अपन पार्टनरशिप में कर लेंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल बुक्स परचेस करने हैं लेकिन बुक्स महंगे हैं भाई, बुक्स के 2000 रुपये लग जाएंगे, इतने पैसे मेरे पास है नहीं। चल तेरे पास कितने, 1000, मेरे पास कितने, 1000, चल अपन पार्टनरशिप में बुक्स खरीद लेते हैं। तो पार्टनरशिप वर्ड तो आपने लाइफ में यूज भी किया है और सुना भी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में होता ऐसा है कि अरे 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 तो ही चाहिए थे ना आज बच्चों, ये ड्राइंग्स आज के दिन नहीं, सिर्फ आपको पूरे साल तक झेलनी है, इसलिए आदत कर लो ऐसी ड्राइंग्स है भाई मेरी, क्या करें अभी। ड्राइंग्स में ऑप्शन में डाल दिया था स्कूल टाइम से ही, तो ड्राइंग्स थोड़ी वीक रह गई। तो हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, ये है पार्टनरशिप। दो पर्सन साथ में आ गए, दो पर्सन एक दूसरे के साथ मिले और उन्होंने कुछ ना कुछ चीज के लिए एक दूसरे के साथ एग्री हो गए कि हाँ हाँ भाई मुझे भी बुक्स लेने, तुझे भी बुक्स लेने, तो दोनों एक चीज पे एग्री हो गए, ये हो गए पार्टनरशिप, ठीक है। सर पार्टनरशिप दो ही लोगों की हो सकती है? नहीं यार, दो का तीसरा सगड़ा विसरा, मतलब आई मीन टू से कि दो ही नहीं भाई, तीन लोग भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे, देखो तीनों के तीनों कितने हैप्पी है। अरे फोर्थ भी आ गया, सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो आते ही जाएंगे पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, सब कुछ हम देखने वाले हैं चुन चुन के। बट चलो तो डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक आपके सामने हो या ना हो, स्टूडेंट्स याद रखना, हर लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपके सामने टेक्स्ट बुक नहीं भी होगा, आप कहीं पे भी हो, आपके पास सिर्फ एक सिंपल सी नोटबुक है या फिर आप सिर्फ अटेंड ही कर रहे हो, सिर्फ मोबाइल भी आपके सामने है, मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो भी आपके सामने है, तो भी आपको समझे। तो इस हिसाब से मैं बुक भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये रहा बुक आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स सी, थ्योरी देखते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द ट्यूशंस में फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे किया जाता है, लेकिन हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कम्प्लीटली देखेंगे। आपकी एग्जाम MCQ होगी, ऑफलाइन होगी, नहीं पता। नेक्स्ट ईयर तक कोरोना का सिचुएशन कैसे होगा, नहीं पता, होगा या नहीं होगा, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, सिचुएशन विल बी, बट हमें 80 में से 80 मार्क्स ही चाहिए है, 100 में से 100 ही चाहिए है। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे तो 80 में से सिर्फ 60 पे फोकस हो जाएगा, बट हमारा टारगेट 60 है ही नहीं, हमारा टारगेट आउट ऑफ ही है। इसलिए हम हर एस्पेक्ट, थ्योरी भी देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे ऑल इन वन। बच्चों आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं रहेगा, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम आपको करना है, थोड़ा थोड़ा काम मुझे करना है, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर हम बात करते हैं मीनिंग की, इंट्रोडक्शन मीनिंग देखते हैं कि तो पार्टनरशिप के बारे में क्या दिया है। देखो आपका ध्यान एरो पर होना चाहिए, ठीक है, ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो पे ध्यान रखना। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इज लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, ओके। पहली बात तो ये बताओ सर हमें, ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? बच्चों सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सो सिंगल ओनर वाला बिजनेस, मतलब मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, सीधी सी बात है, ठीक है, मेरे साथ कोई है नहीं, जैसे KKC है, KK कॉमर्स अकेडमी मेरा अकेले का है, तो आई एम सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अगर आप अकेले में बिजनेस करो तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। क्या नेगेटिव पॉइंट है उसमें? फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। मैं क्लासेस रन कर रहा हूं अकेला, लाला के कितने पैसे लाऊंगा मैं घर से, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, कितने, कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है ना, क्योंकि पैसे लाने वाला मैं अकेला हूं, ओनर मैं अकेला हूं, सो देयर इज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल एक लिमिट के ऊपर नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। स्टूडेंट देखो, बींग अ पर्सन, मतलब मैं पर्सन हूं तो मेरे में कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन सबकी सब एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, सबके सब सर रविंद्र जडेजा नहीं होते ना। नॉर्मली कोई सिर्फ बैट्समैन होता है, कोई सिर्फ बॉलर होता है, कोई सिर्फ फील्डर होता है, सर रविंद्र जडेजा जैसे कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके पास सबके सब स्किल्स है, ठीक है, वो कैटेगरी हम बात नहीं करते फिलहाल। लेकिन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी सिंगल पर्सन होने के बाद, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग में बहुत बढ़िया हूँ लेकिन मार्केटिंग में भी शायद, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा काम अच्छा सा नहीं है, फाइनेंस में अच्छे से नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ऐसा कि सिंगल पर्सन के पास सबके सब स्किल नहीं होते, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, कोई भी पर्सन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा समस्या है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या?
इन केस अगर बिजनेस, सपोज बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है, कंटिन्यूसली बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो हम डिसीजन क्या ले लेंगे, बिजनेस बंद करना है। बिजनेस अगर बंद करना है तो बिजनेस बंद करने हम निकले तो मैंने सोचा सप्लायर का पेमेंट, सप्लायर को बोल देते बिजनेस बंद किया पैसे भूल जाओ, चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। तब प्रॉपर्टीज बेचने पड़ेंगे, तो बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टीज थे मैंने सब बेच दिए और लोगों का पैसा दे दिया, दे दिया मतलब जितना पैसा आया वो तो दे दिया, लेकिन फिर भी पूरा लायबिलिटी पेड नहीं हुआ। लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा। और प्रॉपर्टी तो पता है आपको, बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सपोज बिजनेस का, बिजनेस पे लोन है टोटल 10 लाख रुपए का और बिजनेस के सब प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 6 लाख आए, 4 लाख रुपए कम पड़ रहे, ये कौन लाएगा? मेरा खुद का बिजनेस है ना, मुझे खुद मतलब मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी खेती, मेरी ज्वेलरी, जो भी प्रॉपर्टी होगी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी एक लिमिटेशन है, मतलब निगेटिव पॉइंट है सोल प्रोप्रेटरशिप का। नेक्स्ट इज नो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है सोल प्रोप्रेटरशिप में? जिस दिन मेरी विकेट गिरेगी मेरा क्लास बंद हो जाएगा। विकेट गिरेगी मतलब, अरे भाई ऊपर वाले ने बुला लिया, सपोज यम जी आ गए हमें लेने, उठा के लेकर गए, क्लासेस बंद। ऐसा थोड़ी है क्लास की कोई भी चला लेगा भाई, कोई भी कंटिन्यू कर लेगा। जिस दिन ओनर खत्म उस दिन बिजनेस खत्म, सिंपल सी बात है। इसे बोलते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप, सिंगल पर्सन ओनर है, ठीक है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये भी एक समस्या थी बच्चों सोल प्रोप्रेटरशिप में। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं अकेला पर्सन क्लासेस रन कर रहा हूं तो सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सफाई भी, शॉपिंग भी, एड देखा होगा ना आपने निर्मा का, निर्मा शुद्ध नमक, ठीक है। तो सब कुछ काम एक को ही करना पड़ रहा है। अगर एक ही पर्सन सब कुछ काम कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज हम 5 लोगों की टीम होती तो मैं क्या करता, मैं टीचिंग पे फोकस करता, एक पर्सन को बोलता भाई तू सिर्फ मार्केटिंग का काम कर, एक को बोलता भाई तू सिर्फ फाइनेंस का काम कर, एक स्टूडेंट, एक सपोज पर्सन को बोलता कि भाई तू सिर्फ स्टूडेंट का एडमिशन का प्रोसेस का काम तू देखने का, एडमिनिस्ट्रेशन तू देखने का, पेरेंट्स आए तो तू उनसे बात करने का। तो मैंने क्या कर दिया, स्पेशलाइजेशन। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मल्टीपल लोग साथ में आ जाए और हाथ मिला ले एक दूसरे के साथ, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेशंस थे बच्चों सोल प्रोप्रेटरशिप के, ठीक है। सो आगे देखो, हेंस व्हेन अ बिजनेस इज टू सेट अप ऑन अ स्केल व्हिच नीड्स मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू रन इट। जब हम बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं एक लेवल के ऊपर, मतलब एक लेवल से ज्यादा की, जहां पे ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा रिस्क होगी, तो ऐसे बिजनेस जब हम करेंगे तो डेफिनेटली दो मल्टीपल पर्सन की जरूरत है। एक अकेला पर्सन क्या क्या करेगा भाई? तो दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, तो ऑफकोर्स उनको कैपिटल शेयर करना पड़ेगा। मतलब वो मल्टीपल पर्सन साथ में आएंगे, कैपिटल शेयर करेंगे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेंगे भाई। इसे तो बोलते हैं पार्टनरशिप। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मतलब मल्टीपल पर्सन साथ में आ गए और उन्होंने एग्री किया एक चीज पे, हम सब मिलकर कैपिटल आएंगे, प्रॉफिट हुआ तो सबका, लॉस हुआ तो सबका, ये बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज पार्टनरशिप, ठीक है। तो देखो आगे, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। तो जो पर्सन से जो साथ में आ गए कलेक्टिवली और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको इंडिविजुअली एक एक पर्सन को बोलते हैं पार्टनर, और सबको मिलकर बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, फिर सिप फर्म, ठीक है ना। 10 पार्टनर है, 10 लोग साथ में आ गए तो 10 लोगों को कलेक्टिवली नाम रहेगा फर्म, और एक एक को पार्टनर, ठीक है। चलो मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या दिया है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। जब टू और मोर पर्सन साथ में आ गए, कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस, और हाँ साथ में आके बिजनेस करना है विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म। और ऑफकोर्स बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, ठीक है बच्चों। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, दो लोग, दो स्टूडेंट्स है, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने मिलकर बुक्स परचेस कर लिए स्टडी के लिए, तो पार्टनरशिप नहीं बोल सकेंगे यार उसको। मतलब साथ में आ गए, टू पर्सन साथ में आ गए और आपने कुछ परचेस भी किया, दोनों का एम भी सेम था, लेकिन आपका इंटेंशन प्रॉफिट करना और पैसे कमाना या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं था, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते टेक्निकली, ओके। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एकदम बच्चों ये डेफिनेशन लर्न करना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है, मैं करवा लूंगा आपसे, डोंट वरी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन्स द पार्टनरशिप एज, आपको डेफिनेशन का पूछा गया तो पूरा स्टार्टिंग से लिखना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4
डिफाइन्स पार्टनरशिप एज, उन्होंने दी हुई डेफिनेशन है क्या, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वैसे तो डेफिनेशन छोटी है बट कभी कभी डिफिकल्ट लग जाती है, डिफिकल्ट डेफिनेशन को इजी करने के लिए पहले तो उसका टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है। सो देखो फर्स्ट पार्ट, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है मल्टीपल पर्सन के अंदर बीच में, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, हु हैव, वो क्या करने वाले, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जिन्होंने क्या एग्री किया है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। थर्ड पार्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या, एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए बच्चों। सबसे पहले क्या था, इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये तो समझ गया, फर्स्ट पर्सन के बीच में का रिलेशन है। दूसरा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो इस पे से भी क्लियर समझ रहा है कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा सब मिल बैठ के खाएंगे। बस ये थर्ड वाला नहीं समझा सर, थर्ड पार्ट का मीनिंग नहीं समझा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या। इसका मतलब ऐसा बच्चों कि सपोज हम 10 लोग साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जोक बताता हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट भी याद रह जाएगी। स्टूडेंट्स, हम चार दोस्त थे और हमने पार्टनरशिप में टैक्सी परचेस की, ठीक है। फिलहाल हमने सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता है ना, लॉकडाउन हो जो भी हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का बिजनेस चलता है तो अच्छा है भाई, हम ऐसा करते हैं, चारों ने मिलकर टैक्सी परचेस कर ली। तो हम चार दोस्त ओनर थे और बिजनेस हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके एक महीना हो गया। उसके बाद एक दोस्त आया मेरा, पांचवा दोस्त, मतलब ये चारों से अलावा एक दोस्त आया, उसका फोन आया दोस्त का, क्या चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है, कोरोना के कैसे हालात है, आप फिट हो या नहीं, ऐसा वैसा, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं बोला क्या बताऊँ यार, बिजनेस का मत पूछ। बोला क्यों, अरे बिजनेस अच्छा चल रहा होगा ना, आपने तो, अब सबको पता है ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे दिन है फिलहाल। अरे नहीं यार मत पूछ, अब तक बोनी भी नहीं हुई, एक महीना हो गया बोनी भी नहीं हुई, मतलब सिंगल कस्टमर भी नहीं मिला। तो ही आस्क मी, ऐसा क्यों भाई, एक महीना हो गया एक कस्टमर नहीं मिला, ऐसा मतलब तूने लगा के कहाँ पर रखी टैक्सी, मतलब तूने मेन एरिया में नहीं रखी क्या, स्टैंड के पास नहीं है क्या, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या। मैंने बोला अरे नहीं यार, हार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है, रेलवे स्टेशन, ऐसे एरिया में ही मैं टैक्सी लगाता हूँ, लेकिन एक भी पैसेंजर नहीं मिला। अरे बाप रे, वो सोचने लगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर एक दिन वो घूमते फिरते हमारे गांव में आ गए, उसने देखा टैक्सी में चार लोग बैठे थे। कौन चार लोग, हम चारों पार्टनर कंटिन्यू टैक्सी में बैठे रहते और वेट करते हैं कि पैसेंजर आएगा, पैसेंजर कहाँ से आएगा मेरे भाई, ऐसे भी कार में चार लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो पैसेंजर आएगा कहाँ से अगर चारों लोग बैठे हो तो, ठीक है। तो बोहनी भी नहीं हुई क्योंकि हम चारों के चारों कार में ही बैठे रहते हैं पैसेंजर का वेट करते हुए। तो इस पे से इट इज जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल, इतना मन पे मत लेना। तो इस पे से हमने क्या देखा कि सबके सब पार्टनर अगर एक्टिवली काम करेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगा, चारों के चारों अगर कार में बैठेंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, चारों में से एक को ही टैक्सी चलानी पड़ेगी, तब पैसेंजर, मतलब पैसेंजर मिलेंगे। तो शायद से हम ऐसा कुछ कर सकते भाई, मंडे को तू चलाना, ट्यूजडे को तू, वेनेसडे तू, थर्सडे तू, फ्राइडे तू चलाना, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हमें बिजनेस, एक तो मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट है वो डिवाइड करना पड़ रहा है, या फिर कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या, सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम मतलब पार्टनर में से ही कोई, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या। देखो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने शॉप खोला है 10 पार्टनर ने मिलकर, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 के 10 पार्टनर शॉप में बैठे रहेंगे, कस्टमर कहां से आएगा भाई, हम ही 10 लोग हो गए घर के पार्टनर्स, ठीक है। तो सबके सब एक्टिवली बिजनेस में ही काम करते रहे जरूरी नहीं है। सपोज हम 10 पार्टनर है, फिर भी एक ही पर्सन सिर्फ शॉप संभालता है, बाकी हम घर पे बैठे रहते हैं, तो सर क्या इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? यस, इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ऐसा कहीं पे नहीं बोला हुआ है कि सबके सब लोगों ने एक्टिवली काम करना चाहिए। सीधी सी बात है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ऑल सब भी कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, सब मिलके भी कर सकते हैं, या फिर उसमें से कोई पार्टनर, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, डिपेंड्स, वो लोग भी मिलके बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन रिवाइजिंग द डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन्स पार्टनरशिप एक्ट, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट,
फॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. डन हो गए ना लर्न भाई. चलो फीचर्स देखते बच्चों, पार्टनरशिप के फीचर्स. फर्स्ट एग्रीमेंट. एंग्री नहीं रहे मेरे भाई, एग्रीमेंट. एंग्री हो गए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ना. ठीक है सर, देखो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. एक मल्टीपल लोग जब एक दूसरे के साथ किसी चीज पे एग्री होते हैं उसे बोलते हैं एग्रीमेंट. ठीक है, तो इट कुड बी, देखो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ इसलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है. इट कुड बी रिटर्न और ओरल. बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखना ये. इन्होंने बोला हुआ है क्लियरली, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल. ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप रिटर्न ही हो. हम दो दोस्त साथ में आए और हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हमने बस कम्युनिकेट किया, चलो हम अपन ऐसा ऐसा करते हैं, वो भी एग्री मे भी एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं. मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कोई टेंशन नहीं. ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर पे लिखना ही पड़ेगा आपका एग्रीमेंट. आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्री हो गए, बस ओरल कम्युनिकेशन भी रहा तो भी वो एग्रीमेंट है. ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब रिटन एग्रीमेंट भी चलेगा, ओरल भी चलेगा, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि रिटर्न हो तो बेटर है. भाई ऐसा बोलते हैं ना कि सगे भाइयों का भरोसा नहीं, भाई उनमें झगड़ा हो जाता है तो पार्टनर का क्या भरोसा, दोस्त का क्या भरोसा. दोस्त दोस्त ना रहा, पार्टनर पार्टनर ना रहा, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसा होने से पहले ही बेटर रहेगा, प्रेफर किया जाता है कि हम अगर पार्टनरशिप रिटर्न कर ले, सब कुछ उसमें क्लियरली लिख ले. फॉर एग्जाम्पल आप, हम दो पार्टनर है, हमने क्लियर लिख लिया कि प्रॉफिट मुझे 60% मिलेगा, आपको 40% मिलेगा, लिख लिया. ठीक है, अगर एक बार लिख लिया तो टेंशन नहीं, कोर्ट में गए तो प्रूफ रहेगा. अगर हम कोर्ट में ऐसे ही गए तो बोलेंगे आपके पास प्रूफ क्या है भाई, आपने पार्टनरशिप किया है, कुछ नहीं, निकलो बाहर, हम वो केस नहीं लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज प्रेफर कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो. और इन केस अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया तो देखो उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. मतलब एक सीधा सा ब्लैंक पेपर लिया, ब्लैंक पेपर उस पर लिख लिया हमने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने और पार्टनर ने दोनों का एग्री, दोनों ने साइन बिन कर दिया, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. सो रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनर्स. मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, मिनिमम दो पार्टनर. सर एक नहीं चलेगा तो एक क्या अकेले के साथ ऐसा और ऐसा हाथ मिलाऊ मैं, क्या यार तुम भी, अगर मैं ऐसा का ऐसा एक दूसरे के साथ खुद के साथ हाथ मिलाऊंगा तो इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे मेरे यार. दो पार्टनर तो मिनिमम होने ही चाहिए. ओके, मिनिमम टू पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म. एंड 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 ये याद रखना बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50. ओके, तो मिनिमम पार्टनर्स टू, मैक्सिमम 50. ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा जाता है, मिनिमम नहीं पूछता नॉर्मली, मिनिमम टू सबको पता है, मैक्सिमम पूछा जाता है बहुत बार, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस ही कर सकते हो आप पार्टनरशिप में. so, देखो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. तो लॉफुल बिजनेस करो भाई जो लीगली अलाउड है. इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट. द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस. ओके, तो आप कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते भाई, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते पार्टनरशिप में. भाई मेरी तो गांजा की खेती, भाई मैं गांजा परचेस करता हूँ भाई, गांजा स्मगलिंग, एकदम बॉम्ब भीम बेचता हूँ भाई, अपने पास गन बिन सब रहता है, घोड़ा चाहिए तो घोड़ा मिल जाएगा, किसी की सुपारी देने की, हाफ मर्डर करने का, सब कुछ काम करते भाई अपन पार्टनरशिप में. नहीं कर सकते मेरे भाई, पार्टनरशिप में इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है. आपने हेरा फेरी मूवी देखा है? यस बच्चों, किसी ने देखा हेरा फेरी आप में से? अरे बोलो भाई जल्दी. ओके चलो, देखा हुआ है. हाँ, हेरा फेरी में तीन पार्टनर थे, किसी को नाम याद आ रहा है पार्टनर्स का? हाँ मुझे याद आया, बाबू भैया और कौन था उसमें, बाबू भैया, यस राजू, बाबू भैया राजू, तीसरा कौन था, श्याम, यस सही पकड़े हो, सही पकड़े हो.
असर हो रहा है, लॉकडाउन का असर हो रहा है, गुड गुड गुड। ऐसे भी लॉकडाउन में कितना पढ़ाई करने वाले ना, एंजॉय एंटरटेनमेंट तो होना ही बनता है भाई। तो राजू बाबू भैया और शाम तीनों ने पार्टनरशिप की थी, किडनैपिंग, किडनैपिंग याद आया, वो लड़की को किडनैपिंग करना था, 1 करोड़ उठाएंगे, भाई को 2 करोड़ दे देंगे, नहीं नहीं उल्टा बोल रहे हो रे, आधा पैसा देंगे, आधा पैसा रख लेंगे, अपना प्रॉफिट आधा हो जाएगा, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे तीनों मिलके। अरे अरे मेरे भाई, अगर हम पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। मूवी की बात ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात ठीक है, लेकिन वो लॉफुल बिजनेस ना होने की वजह से उसे हम पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ मतलब कोर्ट के कोर्ट में अगर खड़ा किया तीनों को तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, इट शुड बी लीगल बिजनेस ओनली। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अरे अपना सपना मनी 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 मनी, पैसा कमाने के लिए तो पार्टनरशिप कर रहे हैं ना बॉस। तो पार्टनर हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबको। इफ अरे 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 गलती से मिस्टेक, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। बच्चों जिंदगी में केयरिंग और पार्टनरशिप में शेयरिंग बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, अरे थोड़ा वाह वाह तो करो भाई, मतलब ये ऑटोमेटिक बन गया भाई, मैं ऐसे कुछ रट्टा मकर के नहीं आया था, ऑटोमेटिक बन गया। सो जिंदगी में केयरिंग और पार्टनरशिप में शेयरिंग बनता है, जरूरी है बच्चों। शेयरिंग के सिवा उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। शेयरिंग कम हो या ज्यादा कोई टेंशन नहीं, 90% प्रॉफिट आपका, 10% मेरा, इज इट पार्टनरशिप? यस चलेगा, लेकिन भाई शेयरिंग ही नहीं है, पार्टनरशिप है। पूरा प्रॉफिट 1% रखता है, दूसरे को सिर्फ सैलरी पे करता है, क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल नहीं। अरे लेकिन सर वो दूसरे को पार्टनर बोलता है, अरे नाम से क्या चल, नाम को नाम में क्या रखा है यार, काम में रखा है, काम में रियल में प्रॉफिट का शेयरिंग अगर है तो ही उसे पार्टनर बोला जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग के सिवा पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। एग्रीमेंट में रेशो अगर लिखा रहा तो उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर रेशो नहीं लिखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बच्चों ये वर्ड आपको याद रखने हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। ओके, ये तीनों वर्ड याद रखना, अनलिमिटेड जॉइंट और सेवरल। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट और सेवरल होती है। ठीक है, मतलब क्या, इन तीनों का मीनिंग आपको फटाफट से समझाता हूं बच्चों। अनलिमिटेड मतलब क्या, जॉइंट मतलब क्या और सेवरल मतलब क्या। ठीक है, एग्जांपल 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 से हमें जल्दी समझता है सर। हाँ, ये तीन पार्टनर है। ठीक है, तो सपोज 9 लाख रुपीज टोटल बिजनेस पे लायबिलिटी है, मतलब सब प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिया, बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के लायबिलिटीज पे कर दिया, उसके बाद भी 9 लाख रुपए कम पड़ रहा है, मतलब बाहर वालों को अभी भी देना है। तो ऐसे समझो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का। ठीक है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, 3-3 लाख रुपए अपने घर से लाने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से। कहाँ से लाना है वो आपका मैटर है भाई, आपको घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, आपको जो बेचना है बेचो, पैसे लाओ, तीनों को 3-3 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलो ये तीनों का नाम, ये बाबू भैया, ये राम, श्याम, ठीक है बाबू भैया श्याम और क्या था दूसरा, भूल गया मैं भी, राजू, हाँ राजू कार निकाला था मेरे बर, हाँ तो बाबू भैया राजू और श्याम तीनों को 3-3 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी ज्वाइंट होती है, जो भी है सबको लाना पड़ेगा लायबिलिटी। ठीक है, 3-3 लाख रुपए तीनों को लाने हैं। हुआ ऐसा, शाम कितना गरीब है आपने देखा हुआ है, बेचारा जॉब भी चली गई उसकी, जॉब पे ही सब कुछ जिंदगी थी, लेकिन जॉब भी चली गई तो, और हीरोइन भी चली गई बेचारे से। तो शाम की सब कुछ प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ 1 लाख रुपए आए, सिर्फ 1 लाख सब बेच दिया, और शाम अभी इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, हम लुट गए, हाँ लुट गए, मतलब क्या,
दिवाला निकल गया भाई। जिस पर्सन का दिवाला निकल चुका है, जो लुट चुका है, जिसके सब प्रॉपर्टी बेच के, फिर उसके प्रॉपर्टी कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जिस पर्सन को लोगों का देना बहुत है और उसके पास प्रॉपर्टी कम है, ऐसे पर्सन का दिवाला निकल चुका है, मराठी त्याला म्हणतात दिवाळखोर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनसॉल्वेंट पर्सन, जो लास्ट ईयर भी था। तो शाम की प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 1,00,000 रुपए आ गए, सब कुछ प्रॉपर्टी बेच दी, अब उसके पास कुछ है नहीं, वो बन गया इनसॉल्वेंट पर्सन। तो इनसॉल्वेंट मतलब अब तो कुछ उससे पैसा आ नहीं सकता, सब बेच दिया ना उसने, फिर भी 2,00,000 रुपए कम पड़ रहे। सर 2 लाख कैसे, कितना बोला था शाम को लाने को, 3,00,000 रुपए लेके आना, शाम को लेके आना, शाम को 3,00,000 रुपए लाने को बोला था, लेकिन वो दोपहर में ही इंसॉल्वेंट हो गया। शाम को लाना था लेकिन दोपहर में ही वो इंसॉल्वेंट हो गया। 3,00,000 रुपए लाने थे, 1,00,000 लाए, 2,00,000 रुपए कम पड़ रहे, तो ये 2,00,000 का क्या करे बाबू भैया, आपको 1,00,000 एक्स्ट्रा और राजू भाई आपको भी 1,00,000 एक्स्ट्रा लाने पड़ेगा। ये 1,00,000 एक्स्ट्रा क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी सेवरल होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी सेवरल होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अरे ये भी तो जॉइंट सेवरल और अनलिमिटेड ना, अनलिमिटेड का मतलब क्या, अरे अनलिमिटेड का मतलब मैंने बताया ना बच्चों, जिसको लिमिट ही नहीं होता, बोले तो जहां पे पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच्ड होती है बिजनेस के लोन के लिए, ओके, व्हेन पर्सनल प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड फॉर बिजनेस लायबिलिटीज, और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा देना पड़ रहा है, ये 4,00,000 रुपए इनको घर से ही लाने पड़ रहे ना बच्चों, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ही पैसे लाने पड़ रहे, तो ये क्यों लाने पड़ रहे हैं पैसे, बिकॉज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। सो याद रखना बच्चों तीनों वर्ड, पार्टनर्स लायबिलिटीज जॉइंट सेवरल एंड अनलिमिटेड, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये पॉइंट क्लियर मैंने आपको बता दिया। तो देखो सेकेंड लाइन में एरो के पास ध्यान होना चाहिए आपका, इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशियंट टू पे लायबिलिटी देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज। अभी जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ एनी वन ऑफ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, देन हिज लायबिलिटी विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। तो उसने जितने पैसे कम लाए, जो शॉर्टफॉल है वो कौन लाएगा, बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट मतलब ऐसे पर्सन जिनकी एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, ठीक है, दिवाला नहीं निकला है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, भाई 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 मराठी पाउल पढ़ते पूरे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। बच्चों पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो कहीं पे कंपल्सन नहीं है, लेकिन मराठी पाउल पढ़ते पुढ़े महाराष्ट्र बनते आमच्याकडे पार्टनरशिप कंपल्सरी है। अगर आपको महाराष्ट्र में बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फॉर्म करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए फिल इन द ब्लैंक्स में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश डैश। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपको, कंपल्सरी और ऑप्शनल, आपको याद रखना है ऑप्शनल, ठीक है। एक्ट ने नहीं बोला है, महाराष्ट्र स्टेट ने बोला हुआ है कि करना पड़ेगा। इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर, मे रजिस्टर हो या ना हो दोनों भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मेयरली सर्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स प्रोसेस ऑफ एंटरिंग नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या, एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ROC, एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, और वहां पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, याद रखना बस महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अदरवाइज पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके सब जॉइंट ओनर होते हैं, ठीक है। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी घर पे लेके जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ऑल पार्टनर हैव राइट इन मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो सबके सब पार्टनर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर्स वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटी, हर पार्टनर दो रोल प्ले करता है, एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का, ओके। पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड अदर पार्टनर्स एक्ट एज अ एजेंट, मतलब क्या,
सपोज यही कंटिन्यू करते एग्जांपल, बाबू भैया, राजू भाई और श्याम, ये तीन पार्टनर है ठीक है। उसमें से हुआ ऐसा, बाबू भैया को किसी ने डील सुनाई, बाबू भैया ऐसे ऐसी डील है, बहुत प्रॉफिट, बहुत पैसा कमाओगे, आप ये डील करने ही क्या। बाबू भैया हो गए खुश, उनको तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने सोचा इतना पैसा, उन्होंने डील डन कर दी। लेकिन दोनों पार्टनर को, राजू और श्याम को, पूछा ही नहीं, डील कर दी डन। अब क्या होगा? तो जिसने डील डन की वो हो गए एजेंट, ओके, और ये दोनों हो गए प्रिंसिपल, और ये दोनों को बाइंडिंग रहेगा, ये जो डिसीजन लिया है इनके पार्टनर ने वो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें उनका साथ निभाना ही पड़ेगा। एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब सपोज दूसरे कोई मीटिंग हुई, दूसरा कुछ डिसीजन शाम ने ले लिया, तो शाम बन गया एजेंट और बाकी दोनों बन गए उसके प्रिंसिपल, जिन पे वो डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। सो एवरी पार्टनर प्ले टू रोल्स, प्रिंसिपल ऑफ द फर्म एज वेल एज एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या दिया है, देखो बच्चों, अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। डिसॉल्व मतलब खत्म करना है, पार्टनरशिप डायरेक्ट बंद करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। तो इफ अ पार्टनर वॉन्ट टू क्लोज द फर्म, मुद्दे की बात बच्चों, इफ अ पार्टनर वॉन्ट्स टू क्लोज द फर्म ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। तो किसी भी पार्टनर को अगर फर्म डिसॉल्व करनी है, बिजनेस क्लोज करना है, दस 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा ठीक है। तो 14 डेज ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनर भाई मुझे फर्म बंद करना है, मैं जस्ट नोटिस दे दूंगा 14 डेज का बिजनेस बंद, दैट्स इट। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर, बिकम इनसॉल्वेंट और इनसेन। अगर कोई पार्टनर किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई रिटायर हो गया, या फिर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट बन गया, या फिर इनसेन मतलब पागल बन गया कोई पर्सन, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड बच्चों, लास्ट पॉइंट है आज का, जागते रहो, सोना मना है। मैं सोने दूंगा मेरे, मैं अपना लेक्चर भाई, हाँ कोई एंटरटेनमेंट शो जैसा ही अपना लेक्चर होता है, तो मुझे नहीं लगता बच्चे सोएंगे, बच्चे जागते रहेंगे और एंजॉय करेंगे, वेट करेंगे अगले लेक्चर का, ये गारंटी भाई अपनी। ये पार्टनरशिप डीड ऐसी होती है, पार्टनरशिप डीड रियल में 100 रुपए का बॉन्ड पेपर है, बॉन्ड पेपर पे लिखा गया है डीड ऑफ पार्टनरशिप। ये तो जस्ट फॉर्मेट दिया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं चलो देखते हैं। पार्टनरशिप डीड मीनिंग अभी देखा हमने कुछ देर पहले, वापस इसमें भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखा हुआ है, दैट इज पार्टनरशिप डीड, दैट्स इट। इट कंटेन, इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। मतलब इसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें सब पार्टनर एग्री हो चुके हैं, इसी को तो एग्रीमेंट बोलते हैं ना। तो एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल, एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल दोनों हो सकते हैं, हमने पहले भी देखा, लेकिन अगर वो रिटर्न रही तो उसे डीड बोलेंगे, दैट इज पार्टनरशिप डीड ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपलसरी टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट में तो कंपलसरी है नहीं, हमने अभी अभी देखा ऑप्शनल है, आपको फॉर्म आपका रजिस्टर करना है तो करो, नहीं करना तो भी ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, लेकिन अगर पार्टनर में कभी तुतु में झगड़ा हो जाए अमंग द पार्टनर्स, इट इज ऑलवेज इन द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर अंडर द एक्ट। तो ऐसे तो कंपल्शन है नहीं, पार्टनरशिप आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, बट हो सकता है ना भाई, आज पार्टनर्स अच्छे हैं लेकिन फ्यूचर में झगड़ा हो भी सकता है, तो इन केस फ्यूचर में डिस्प्यूट हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, बहुत बेटर रहेगा अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट करके रखा, आपने पार्टनरशिप रजिस्टर करके रखा, तो कोर्ट में आपको, आपके पास प्रूफ रहेगा, केस भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट के बेसिस पर लड़ा जाएगा, क्योंकि बिना सबूतों के कोर्ट में आपको एंटरटेन नहीं करेंगे ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप डीड में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं बच्चों, जो इंटरनल फर्म के मैनेजमेंट के लिए होता है, ओके। इट इज ऑल्सो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके। पार्टनरशिप डीड, चलो हमने ये तो समझ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, मल्टीपल पार्टनर है, एक एग्रीमेंट बना लिया, एक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करेगा उस पर सबने साइन कर दिया, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन उसमें होता क्या है, तो फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हाँ, जिस जो बिजनेस हम कर रहे हैं बच्चों,
सपोज छह पार्टनर है, छह पार्टनर मिलके साथ में हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस वो लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट एंड इट्स मेन बिजनेस, बिजनेस क्या करने वाले वो भी लिखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके, तो जितने भी पार्टनर्स है सबका नाम, सबके एड्रेस, और हाँ अगर टाइम सेट है, सपोज हम दो साल के लिए, पांच साल के लिए, ऐसा कुछ फिक्स टाइम के लिए अगर पार्टनरशिप कर रहे तो उसका ड्यूरेशन भी मेंशन करो, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप है। सर कंपल्सरी लिखना पड़ता है? नहीं बच्चों, दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक में टाइम दिया जाता है फिक्स, और दूसरा पार्टनरशिप एट विल होती है जिसमें डेट मेंशन नहीं करनी पड़ती, कितने दिन के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस पार्टनरशिप है, फिर आप 10 साल 20 साल 50 साल कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है? सरकार 3 पार्टनर है, कितना पैसा लाया रे उन्होंने, वो भी इसमें लिखना पड़ेगा कि हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशो में शेयर करें, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, इक्वल रेशो रहेगा, 20-20-20 रहेगा, 50-50, 25-25 जो भी रहेगा। नेक्स्ट राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, किसको क्या क्या ड्यूटीज कंप्लीट करनी है और उनकी लाइबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या क्या प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी, डेथ के बाद, डेथ या रिटायरमेंट के बाद कौन सी प्रोविजन फॉलो की जाएगी वो भी इसमें लिखा रहेगा। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों कैपिटल जो कैपिटल प्रोवाइड किया है, पार्टनर ने पैसा लाया ना बिजनेस में, भांडवल चल अपन कैपिटल में, तो ये जो कैपिटल लाया, या फिर सपोज किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, या फिर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से ड्रॉइंग्स किया, मतलब बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा घर पे लेकर गया, तो इसमें उनको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट सैलरी और कमीशन इफ पेएबल टू एनी पार्टनर, आइला पार्टनर को सैलरी काय को देंगे सर, अरे होता है बच्चों कभी कभी जो एक्टिव पार्टनर होता है, मतलब मान लो सपोज मैंने और आपने पार्टनरशिप की, ठीक है, केकेसीए के लिए, केकेसीए टीचिंग तो मैं ही कर रहा हूँ फुल टाइम, आप तो स्टूडेंट, आप टीच नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पूरा पैसा आपका है, टीचिंग मेरा है, और आप बोल रहे 50-50% प्रॉफिट रहेगा। मैंने बोला ऐसा कैसे चलेगा 50-50, सब मेहनत मेरी है, और आप बोल रहे 50-50 नहीं चलेगा, तो 50-50 और आप उसी पर अड़े हो, नहीं नहीं इक्वली प्रॉफिट रहेगा। मैंने बोला फिर ठीक है ऐसा करो, मैं फुल टाइम टीच कर रहा हूँ, मुझे फिक्स सैलरी दे दो 50,000 पर मंथ, उसके बाद जो भी प्रॉफिट रहेगा वो इक्वली बांट लेंगे, हुई ना सैलरी, तो कभी कभी पार्टनर को सैलरी वगैरह भी दिया जाता है। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर दे, दैट इज पार्टनरशिप बंद कर दे, तो उसमें अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी लिखे जा सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए तो वो सेटल कैसे करे, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाता है पार्टनरशिप डीड में, या एनी अदर मैटर, अगर उनको और भी कुछ एडिशनल मतलब ऐड करना है पार्टनर्स को लग रहा है, तो वो एडिशनल चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, हम इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और उसका आगे का कंटेंट, चलो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम रुकेंगे बच्चों आज के आज। तो देखो पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें सबके सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहता है एक दूसरे के साथ, इसके लिए एक बेसिस है पार्टनरशिप डीड, ये बेस है, ठीक है। तो आगे देखो मोर ओवर पार्टनरशिप डीड रेगुलेट राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर एज वेल एज फर्म, और एडिशनली इसमें सब कुछ दिया होता है, सब पार्टनर कौन से पार्टनर के राइट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है वो भी दिया होता है। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर मे बी अवॉइडेड, तो पार्टनरशिप डीड अगर रही तो फ्यूचर में शायद से झगड़े नहीं होंगे, डिस्प्यूट नहीं होंगे, अगर झगड़े हुए भी तो फटक से सॉल्व हो जाएंगे, देख लेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हेंस इट इज ऑलवेज इन फेवर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, तो ये हमेशा प्रेफर किया जाता है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट इज पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये ऑलवेज प्रेफरेबल है, ऐसा बोला जाता है कि सजेस्टेड कि आप पार्टनरशिप डीड बना ही लो, सब कुछ रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, तो टेंशन नहीं है, फ्यूचर में झगड़ा भी हो जाए तो कोर्ट में जल्दी से सॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा हमारा कंटेंट जो हमारा डिसाइड हुआ था, क्या क्या देखा हमने,
मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डील। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, डोंट मिस एनी एपिसोड बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर।